नमस्कार, फ्रंट पेज के साथ मैं हूं राजीव शर्मा। फ्रंट पेज यानी दिन भर की बड़ी खबरों पर चर्चा का मंच। किसी एक मुद्दे पर हम अपने गेस्ट के साथ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है। तो आज सबसे पहले बात शेरों की। अपनी बहादुरी के किस्से बताने के लिए सबसे दमदार तरीका शेरों से लोहा लेने के किस्से सुनाना रहा है। रियासतों के राजा बड़े शौक से हथियार हाथ में लेकर शेर के ऊपर पैर रखकर फोटो खिंचवाते थे। वक्त के साथ शेर मिलना तो दूर, दिखना भी बंद हो गए। शेर वाकई जिंदगी का हिस्सा हैं। एशियाई शेर भारत की पहचान है, तो इस पहचान को बचाए रखना भी जरूरी है। और गुजरात के गिर से मध्य प्रदेश के श्योपुर में कुनो सेंचुरी में शेरों को शिफ्ट करने की सोच इसी बात से जुड़ी है। हमारे साथ है गुजरात के पूर्व चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जीए पटेल, अनाला नेचर्स क्लब से जुड़ी मधु बांटिया और फोन पर दिल्ली से होंगे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अशोक कुमार और मध्य प्रदेश के पर्यावरणविद के सिंह। एशियाई शेरों को मध्य प्रदेश की कुनो सेंचुरी में ट्रांसफर की योजना है। हालांकि गुजरात सरकार इन शेरों को दूसरे घर में भेजे जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल करने की तैयारी में है, लेकिन अगर ऐसा करने के बाद भी गुजरात सरकार के हाथ खाली रहे तो कुनो में एशियाई शेरों का बसना तय है। सुप्रीम कोर्ट पिछले महीने की 15 तारीख को केंद्र सरकार को निर्देश दे चुका है कि वो एशियाई शेरों को गुजरात के गिर जंगलों से मध्य प्रदेश के कुनो अभयारण्य ले जाए। कोर्ट ने कहा कि एशियाई शेरों को किसी महामारी या जंगली आग के कारण गायब होने से बचाने के लिए दूसरे घर की जरूरत है। जस्टिस के एस राधाकृष्णन और जस्टिस सी के प्रसाद की खंडपीठ ने गुजरात सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि एशियाई शेर उसके परिवार के सदस्य की तरह हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। सदियों से एशियाई शेरों के साथ रहने वाले गिर के लोग इन शेरों को मध्य प्रदेश शिफ्ट करने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव से सदमे में हैं। यहाँ के लोग इन शेरों को अपना गौरव तो मानते ही हैं, साथ ही शेरों को अपने जीवन और विकास का स्रोत भी मानते हैं। जूनागढ़ और अमरेली जिले में गिर का जंगल 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस जंगल में बसते हैं एशियाई शेर। ये जंगल इन शेरों का आखिरी बसेरा कहलाता है। देश और दुनिया से इन्हें देखने के लिए लाखों सैलानी गिर के प्रमुख केंद्र सासन गिर आते हैं। सैलानियों के कारण इलाके में लोगों का रोजगार है। इस तरह ये शेर यहाँ की लाइफलाइन भी बने हुए हैं। पहले वर्ल्ड में अभी सिर्फ दो ही जगह पे जो लायन है, एक है अफ्रीका में और दूसरे जो हमारे एस्थेटिक लायन है, जो हमारा प्राउड है कि वो लायन हमारे यहाँ पे रहते हैं। जब से इन शेरों को मध्य प्रदेश में बसाने की बात शुरू हुई है, तब से गिर के गाइड और जिप्सी चालकों को उनका रोजगार खतरे में नजर आ रहा है। यहाँ 100 से ज्यादा गाइड और 150 से ज्यादा जिप्सी चालक सैलानियों को जंगल में घूमते शेरों को दिखाने का काम करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ये सब इस फैसले से खुश नहीं है और सरकार से कोई रास्ता निकालने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि यहाँ से लाइन को एमपी के अंदर शिफ्ट करने का जो फैसला दिया गया है, उसे हम काफी चिंतित हैं। सासन गिर और आसपास बसे गांवों में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराजगी है। सदियों से इन गांव वालों की भावनाएं एशियाई शेरों के साथ जुड़ी हैं। उनका कहना है कि दादा परदादाओं ने खतरे में पड़ी इस प्रजाति की रक्षा की है और उन्हें शिकार होने से बचाया है। उन्हें मंजूर नहीं कि शेरों का फैसला कोई और करे। ये शेर है, ये हमारा ये परिवार जैसे लगता है। बात आ रही है कि मध्य प्रदेश में शेर ले जाने वाला है, वो हमें कभी नहीं वो करना दूंगा। पर्यावरणविद भी इस फैसले को सही नहीं मान रहे। उनका मानना है कि हर प्राणी को अनुकूल जगह पर बसने का अधिकार है। गुजरात सरकार ने भी सासन गिर को एशियाई शेर देखने का मुख्य केंद्र बनाया है। इस वजह से यहाँ होटल उद्योग को भी बढ़ावा मिला है। दरअसल शेरों से डरने वाले गांव वाले अब इन शेरों की वजह से ही जिंदगी के बेहतर हालात देख पा रहे हैं और यही बात है कि शेरों का नया ठिकाना इनके लिए अपने ठिकाने के उजड़ने का एहसास दे रहा है। जूनागढ़ से जय त्रिवेदी के साथ दीप्ति सिंह, जानो दुनिया।
ये जूनागढ़ की कहानी थी, लेकिन अब जानते हैं हमारे साथ जीए पटेल साहब हैं, रिटायर्ड चीफ वाइल्ड लाइफ गुजरात, वार्डन रहे हैं, और मधु बांठिया भी हैं हमारे साथ नेचर्स लवर्स क्लब से। पटेल साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसको आप किस तरह से लेते हैं, क्या आपको इसमें से निकल कर दिखता हुआ समझ में आता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, अब ये देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला है, तो और उस पर कॉमेंट करना बहुत मुश्किल बात है। मगर जो मैं जानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन जो किए हैं, अपने जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन किए हैं, उसमें कई मुद्दे ओवरलुक किए हैं, और इसकी वजह से ये रिव्यू पिटिशन करना बहुत ज़रूरी है। नाउ पहले तो ये एनालिसिस करना चाहिए कि 150 साल से जो लास्ट शेर दिखे गए एमपी में या दिल्ली के नज़दीक, उसको करीबन 150 साल हो गए। 150 साल से गुजरात के एक गिर और सराउंडिंग दूसरे एरिया, ऐसा नहीं है कि अब लायन गिर में ही है। एक तो एक जो लोगों में मान्यता है कि शेर सिर्फ गुजरात के गिर में ही है, वो मान्यता अब दूर होनी चाहिए, क्योंकि शेर का ठिकाना आज गुजरात में ही गिर के सराउंडिंग एरिया में 7-8 जगह पे हो गया है, और वो वहाँ सेटल हो गए हैं। लेकिन पटेल साहब, जो हमारी आपकी जानकारी है, या आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन फिलहाल भारत और इस एशिया जितना भी रीजन है, यहाँ केवल गिर में ही शेरों की जो संख्या है वो दिखाई पड़ती, बाकी जगह तो शेर पता भी नहीं चलते। गुजरात में खासतौर पर गुजरात गिर नहीं, वही तो जो मेन लोगों में एक समझ होनी चाहिए कि गिर जब शेर का नाम लेते हैं तो सब लोग गिर में ही होता है शेर है, इस तरह की मान्यता से जुड़े हुए हैं। मगर शेर खुद अपने आप अब सराउंडिंग एरिया में डिस्पर्स हुए हैं, वो वहाँ सेटल हो गए हैं। सपोज कि गिर है, गिर से गिरनार, क्योंकि एक लोगों में गिर गिरनार एक ही जगह है, इस तरह की मान्यता है, वो वहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। यानी आप जो कहना चाहते हैं वो ये कि शेर अपने आप अपनी जगह बदले, वो कहीं ज़्यादा अच्छा है, जैसे आप गिर से गिरना की बात कर रहे हैं, ना कि किसी फैसले के तहत उनको। हाँ, वही तो वो पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि अब वो भावनगर डिस्ट्रिक्ट, वो ये जूनागढ़ गिर जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में पालीतना शत्रुंजय एरिया में चले गए हैं, वो वहाँ से करीबन 100-150 किलोमीटर दूर है। उसी तरह शेर है वो जो समुद्र के किनारे पे चले गए हैं, कोड़ीनार और वो एरिया में। पटेल साहब, मैं आपसे सीधे मुद्दे पर आना चाहूँगा कि आपका जो सवाल था वो बहुत वाइटल सा इशू है, और वो इश्यूज़ को सुप्रीम कोर्ट ने ओवरलुक किया है। IUCN की गाइडलाइन है कि कोई भी स्पीसीज, एंडेंजर स्पीसीज का यदि आपको ट्रांसलोकेशन करना है, तो वो जो प्लेस है वो उसके ओरिजिनल प्लेस के साथ नेचुरल कॉरिडोर से जोड़ी होनी चाहिए। अब ये टोटल जो IUCN की गाइडलाइन है। लेकिन पटेल साहब, अगर आपको फैसले से, आप देखिए, फैसले से असहमत भी हुआ जा सकता है, हाँ। और सहमत भी, आप असहमत दिख रहे हैं। मैं बस एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या इस बात का आपको डर नहीं लगता कि अगर किसी तरह की एपिडेमिक फैली, जैसा कि इतिहास रहा है और जैसे इन ब्रीडिंग के भी मामले बताए जाते रहेंगे, तो उसमें क्या ये जो बचे 411 शेर जिनकी संख्या बताई जा रही है, अगर ये गिर में ही रहते हैं तो क्या इन पर पूरा संकट नहीं आ जाएगा? हाँ, देखिए, यही मुद्दा पहले से ही ये इशू खड़ा हुआ था 1956 में। ये जो अभी नेशनल बोर्ड के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है, वो वैसा ही एक बोर्ड, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ था, वो नेशनल लेवल का ही बोर्ड था। उन्होंने ही सासन गिर में पहले उनकी मीटिंग हुई थी, जिसमें यही सब एक्सपर्ट थे, भारत सरकार के फॉरेस्ट के हेड भी उसमें उपस्थित थे, और इन्होंने ही सेकंड होम होना चाहिए, कभी एपिडेमिक हो गया तो ये पूरी जाति लुप्त हो जाएगी, ऐसा सोच के एक एक्सपेरिमेंट किया जी। ये एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ही एक उत्तर प्रदेश में ये शेरों को ट्रांसफ़र किया वहाँ डिसीशन के बाद। अब आप देखिए, वो शेर वहाँ से डिसअपीयर हो गए, ले गए, वहीं मर गए।
अब कई एक्सपर्ट जो इसमें मेंबर है वो लोग उसका रीज़न क्या बताते हैं कि वो जहाँ ले गए वहाँ प्रे बेस कम था, वो लोगों के कैटल डोमेस्टिक कैटल को मारने लगा, इसीलिए लोगों ने मार दिया। अब जो यही जो जजमेंट में जो एक्सपर्ट बताए गए हैं इन्होंने ये रीज़न दिया है कि वहाँ से क्यों लुप्त हो गए, क्यों मारे गए, ट्रांसलोकेशन के बाद वहाँ क्यों नहीं सर्वाइव हो पाए, लोगों ने मार दिया। अब आपके आप उसके सामने देखिए गुजरात का केस, गुजरात में शेर इवन डोमेस्टिक कैटल को मारते हैं, वो तो छोड़ दीजिए कभी कभी ह्यूमन इंजरीज भी करते हैं, तो लोग शेरों को मारते नहीं है। ये आप मैं इस मुद्दे पर आऊँगा कि लोगों का क्या व्यवहार है, मैं सीधे मैं ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरा इशू है कि बार बार वो साउथ अफ्रीका में एक दफ़े एक एपिडेमिक आया, 80% लायंस के पॉपुलेशन वाइप आउट हो गया। अब ये भी इशू ठीक नहीं है, यहाँ तो 200 साल से कोई ऐसा इंसिडेंस नोटिस नहीं किया, रेकॉर्ड भी नहीं है कहीं यहाँ। मैं आपकी बात पर मधु तक जाना चाहूँगा, मैं आपसे बात करूँगा पटेल साहब। मधु बंटिया है हमारे साथ नेचर्स लवर्स क्लब से। मधु जी, पटेल साहब चीफ वार्डन वाइल्ड लाइफ गुजरात रहे हैं और ये अपने अनुभव से बात कर रहे हैं, ये असहमत नज़र आ रहे हैं, आप किस तरह से देख रही हैं, क्या शिफ्ट करना, दूसरा एक होम देना बेहतर होगा? मेरे हिसाब से डेफिनेटली करना चाहिए, बेहतर होगा, क्योंकि अब लायन की पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो रही है गिर में, तो उनके लिए वो जगह भी कम पड़ रही है, फिर वो नेचुरली माइग्रेट करने लगते हैं, आसपास के गाँव में जाते हैं। और अगर उनको हम शिफ्ट करेंगे जस्ट इन केस ऑफ एन एपिडेमिक, जैसे कि अपन सारंगेटी का केस लेते हैं इन टंजानिया, तो कम से कम अब वी कैन सेव आर लायंस रादर देन हैव देम ऑल किल्ड। सो आई फील दैट इट इज़ अ गुड आइडिया कि वो शिफ्ट हो, उनको एक नया घर भी मिले, साथ साथ ये घर तो है ही। ये इनब्रीडिंग का भी मुद्दा अक्सर उठाया जाता है कि अगर शेरों को एक जगह से दूसरी जगह ले गए तो उनकी प्रजाति पर असर पड़ सकता है, तो इसलिए भी क्या शिफ्ट करने की सोच आपको समझ में आती है? हाँ, इसलिए भी बेहतर रहेगा उनके लिए कि वो एक जगह सिर्फ रहते हैं और अपने ही अंदर अंदर में ही उनकी ब्रीडिंग होती रहती है। शिफ्ट होएंगे एक नई ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, मे बी मोर पावरफुल ब्रीड शायद उत्पन्न हो। पटेल सर, आई डोंट एग्री विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज जो जो यहाँ से वो शिफ्ट करेंगे प्राइड, वो वहाँ सब्सिक्वेंटली वहाँ इनब्रीडिंग ही होगा, वहाँ भी इनब्रीडिंग होगा, वही प्राइड का वो जो जो कुछ है वही इंटरनल इन बिल्डिंग होगा। दूसरा जो चीज़ बताया कि वो सारंगेटी जो एक एपिडेमिक आया और लायन मर गए, अब ऐसा यहाँ हिस्ट्री में, यहाँ गुजरात के हिस्ट्री में कभी 150 साल तो हो गए। IUCN ने खुद ने बताया है, IUCN के रिपोर्ट में है कि दूसरे 100 साल तक ऐसे एपिडेमिक का कोई खतरा नहीं है गुजरात। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, आपने IUCN की बात कही, मैं इसलिए बता रहा हूं। तो आपको क्या लगता है कूनो सेंचुरी जो है, आप तो काफी इस सब जानकार रहे होंगे, क्या कूनो आपको लगता है कि गिर के शेरों के लिए उपयुक्त जगह है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? हाँ, वही तो दैट इज द मेन इशू, बहुत बेसिक इशू यही है कि वाई कूनो पालपुर इज नॉट ए राइट एट प्रेजेंट नॉट राइट प्लेस। ये जो जगह सिलेक्ट कर की है वो जगह ओरिजिनली टाइगर टेरिटरी है, वहाँ टाइगर अभी भी आते हैं, अभी भी देखे जाते हैं। प्रे बेस भी वहाँ इतना नहीं है, प्रे बेस भी बहुत कम था, मैं खुद ही जानता हूँ। अब लास्ट में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कि बहुत गिर से भी ज़्यादा प्रे बेस है, ऐसे फिगर्स दिखाए हैं, और वो भी बताया है कि लास्ट 7-8 साल में इतना प्रे बेस 10 टाइम्स बढ़ गया है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो साइंटिस्ट को कोट करके जो जिनको प्रेज किया है उन्होंने ये फिगर चैलेंज किया है, मैं आपको बताऊं। और दूसरा, जीए पटेल साहब असहमत नजर आ रहे हैं फिलहाल उन बातों से जो कि गिर के शेरों को दूसरी जगह ले जाने की बात है। अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद गिर के शेरों के ऊपर हम और डिटेल में अपनी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मसला पूरी तरह से है क्या, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि लोग इस पर क्या कहते हैं। बात ऐसी हो गई कि मतलब अपनी माँ से कोई बेटा छीनने की बात है, गलत डिसीजन लिया है। गुजरात तो सिंहों के नाम से ही पहचाना जाता है, आज आप कहीं पे भी सिंबल देखोगे गुजरात का तो सिंह का सिंबल आता है, क्यों? क्योंकि वो पूरे गुजरात में सिंहों के ही नाम से पहचाना जाता है।
आजादी के बाद देश भर में 562 रियासतों का विलय किया गया। इसमें से सबसे ज्यादा 366 रियासतें गुजरात में थी। खबर हो राजनीति की या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध की या बात हो अपराधियों की, खबर हो कारोबार की या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की या बात हो कलाकार की, हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ। गुजरात देश का सबसे बड़ा राज्य तो नहीं है, लेकिन देश के किसी भी और राज्य की तुलना में यहाँ सबसे अधिक 12 हवाई अड्डे हैं। देश का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में ही है। सीर क्रीक के पास कच्छ इलाके में इस आखिरी गांव का नाम है गुहर मोती। खराब और पुराने पानी के जहाजों को तोड़ने का दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड गुजरात के भावनगर के अलंग में है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में देश के बाकी राज्यों की राजधानियों की तुलना में सबसे ज्यादा करीब 32 लाख पेड़ हैं और प्रति व्यक्ति 22 पेड़ का अनुपात है। यह सबसे हरी भरी राजधानी है। ब्रेक के बाद फ्रंट पेज में आपका स्वागत है। गर्मी की शुरुआत में ही पानी की समस्या ने अच्छे अच्छों को आंखों में पानी दिला दिया है, तब सूखे हुए गीर के जंगल में बसते वन्य प्राणियों का क्या। बारिश की कमी और सूख गए प्राकृतिक स्रोतों के चलते सासण गीर में बसते वन्य जीवों के लिए हर दिन किसी बड़ी तकलीफ से कम नहीं। पानी की जरूरत तो सबको पड़ती है और गीर के सूखे जंगलों में नदी नाले सब खाली हैं। सासण गीर के बीच में मौजूद कमलेश्वर डैम, जो कि आसपास के इलाकों में पानी पहुंचाता है, एक मैदान में तब्दील हो चुका है। फेमस सासण गीर का जंगल 411 शेर, 52,000 हिरण और 400 तेंदुओं सहित अन्य कई पशु पक्षियों का घर है। डैम का वो एकदम मिनिमम लेवल पे आ गया है और अभी तो पानी सिर्फ वन्य प्राणियों के लिए ही रखी गई है कि किसी प्रकार से डैम में पानी इतना कम ना हो कि वन्य प्राणियों को प्रॉब्लम हो। और इन सब के लिए पानी की मांग पूरी करने के लिए 500 पानी के टैंक वन्य विभाग द्वारा बनवाए गए हैं। इन टैंक को हर रोज भरा भी जाता है, लेकिन क्या 50,000 से ज्यादा जानवरों के लिए इतना काफी होगा। हेमल भट्ट, जानो दुनिया। हम शुरुआत करेंगे सासण गीर के जो शेर हैं, गीर के जो शेर हैं उनके ऊपर मधु के साथ। मधु, अभी आपने देखा हमारे पैकेज में कि पानी की समस्या है, खाने की समस्या है, कई एक समस्याएं होती हैं जो जानवरों को महसूस कर फेस करनी पड़ती हैं। रोज़ उनको एक नई ज़िंदगी की लड़ाई लड़नी पड़ती है। नई कुनो सेंचुरी में अगर ये जानवर भेजे जाते हैं और जो हमने संख्या बताई करीब 52,000 वहाँ पर जानवर पशु पक्षी सब मिलाकर हैं, तो क्या कुनो में गीर के शेरों के लिए वो भोजन, वो रहन सहन, वो पूरा माहौल क्या लगता है आपको तैयार मिलेगा, क्या है? अभी हाल फिलहाल तो एमपी गवर्नमेंट के ऊपर, कुनो के ऊपर पूरा वर्ल्ड रडार है, तो वो लोग बिल्कुल लायन के लिए सारा कुछ कंड्यूसिव करके ही लायन को
ट्रांसलोकेट करेंगे। क्योंकि क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर शेर हैं तो इसका मतलब कि उनके लायक भोजन यानी बाकी जानवर हैं, और अगर वो जानवर हैं तो वो इसलिए हैं कि जंगल हरा भरा है। हाँ। तो ये चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। क्या कुनो गिर के शेरों को अपने में रखने के लिए तैयार लगता है आपको? अगर ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो सारा रिसर्च किया हुआ होगा। ऑल द बिगर साइंटिस्ट, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल वुड हैव गॉटन टुगेदर, सारा उनका कंड्यूसिव हैबिटेट को चेक करके, उधर कितना प्रे उनके लिए अवेलेबल है, पानी की सुविधा क्या है, सारा कुछ चेक करने के बाद ही ये डिसीशन लिया जाता है। क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया का जो प्राइड है एशियाटिक लायंस, जो अब कहीं और नहीं है पूरी दुनिया में एक्सेप्ट इन इंडिया, तो वो इरेडिकेट हो जाए। पटेल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा ये जो इश्यूज बताया उसमें थोड़ा इसलिए डिफर होता हो कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट बना अल्टरनेटिव साइट का, उसी में गुजरात के कोई ऑफिसर, गुजरात गवर्नमेंट को किसी को कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं है। उनको वो मेंबर थे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जब ये अल्टरनेटिव साइट डिसाइड हुआ तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए सो दैट इट बिकम्स फिट फॉर लायंस सेटलमेंट। पटेल साहब, ये केवल कागजी लड़ाई तो नहीं है? कागजी लड़ाई नहीं है। मैं इसलिए कि कुनो पालपुर साइट जो है वो एक तो क्या है कि वहाँ टाइगर थे, टाइगर जो नहीं बच सकते हैं जो साइट पे, टाइगर तो लायन से काफ़ी कनिंग एनिमल होता है, वेयर हैज लायन ह्यूमन फ्रेंडली होता है, बहुत नज़दीक से आप जा सकते हैं। तो शेर जहाँ नहीं बचा सकते हैं आप, तो लायन तो किस तरह बच सकते हैं? और वो पूरा एरिया घन कल्चर का है। दूसरा जो आपने बताया टेम्परेचर का, कुनो पालपुर में टेम्परेचर है वो मेन मुद्दा है, बिकॉज वहाँ 47, 47, 48 तक टेम्परेचर चला जाता है। सासणगीर में टेम्परेचर कभी 40-42 से ज़्यादा जाता नहीं है, और इमिडिएटली शाम को तो 3-4 बजे के बाद वो सब सी कोस के नज़दीक होने से पूरा उसका क्लाइमेटिक कंडीशन ही डिफर है। पटेल साहब, ये ओवरऑल आप फैसिलिटीज़ की बात पर ला रहे हैं, मतलब जहाँ पर शेरों को रखना है वहाँ फैसिलिटीज़ क्या है, लेकिन जहाँ तक फॉरेस्ट की बात है, ये तो स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, अधिकार में आता है कि वो किस तरीके से इन रिजर्व जो एनिमल्स हैं उनके लिए क्या कर रही है, तो उसमें गुजरात को इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? परेशान होने की ज़रूरत देखिए, पहले तो एक कि गुजरात के लोग लायन हमारे गुजरात का ही है, वो थियरी बराबर नहीं है, क्योंकि क्या अल्टीमेटली वाइल्ड एनिमल और एनी नेचुरल रिसोर्स पूरे कंट्री को होता है, उसमें हमें कोई डिस्प्यूट करना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। मगर आज एक ऐसा स्टेज है कि कंट्री में एक लायन या एक टाइगर मरे तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसका पॉपुलेशन इतना लिमिटेड है। टाइगर का तो बताते हैं 1400-1500 है, मगर ये तो 411 ही है लास्ट सेंसस के मुताबिक। अब उसमें से आप 10-15 ले गए वहाँ और मर जाए, क्योंकि पास एक्सपेरिमेंट वही एरिया में फेल हुए हैं। क्यों फेल हुए हैं उसके रीजन तो एनालिसिस कर किया नहीं है। वो सिर्फ लायन 150 साल से पहले से ही इंडिया के कोई पार्ट में नहीं है, और गुजरात में ही क्यों बचे हुए हैं? और वो जो नंबर थे वो इंडिपेंडेंस के बाद इतने बढ़ रहे हैं, धीरे 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 बढ़ रहे हैं। मधु, आप इस बात को ज़रूर बताइए, क्योंकि आप नेचर लवर्स क्लब से जुड़ी हुई हैं, लोगों से आप इंटरेक्ट करती रहती हैं, इस बात का जवाब आपने ढूंढा कि गुजरात में ही शेर क्यों बचे हुए हैं, बाकी जगह क्यों नहीं? पहले तो हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में भी शेर थे, रेवा फॉरेस्ट में, ग्वालियर के आसपास, बंगाल में भी थे, पर ड्यूरिंग द सिपॉय म्यूटिनी इन 1857 the Britishers had killed the lions. तो somehow वो ग्वालियर ऐसे में सारा during the Sepoy mutiny उनको shoot कर दिया गया था lions को, पूरी population को ख़त्म कर दिया था Britishers ने, इस खातिर वहाँ से पूरे lions गायब हो गए। मधु, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ, अगर पिछला इतिहास देखें तो पहले यूपी में शिफ्ट किया गया था, सोनभद्र में, वहाँ पर पता चला कि एक शेर दो शेरनी करीब 3 या 4 थे जो उससे संख्या बढ़ी लेकिन अचानक गायब हो गए। अब जहाँ पर जा रहे हैं शिवपुर में, ये रणथंभौर से लगा इलाका तो है लेकिन वहाँ गन कल्चर बहुत फेमस रहा है, जैसा कि पटेल साहब भी कर रहे हैं। वहाँ भी क्या गारंटी है इसकी कि
वहाँ पर जहाँ गन कल्चर है, जहाँ लोगों के पास हथियार मौजूद हैं, जहाँ पर शेरों को अगर प्रॉपर खाना नहीं मिला तो वो जाहिर सी बात है अपनी जगह से निकलेंगे, तो सेव रहने की क्या गारंटी आपको दिखती है? गारंटी तो ऐसा कोई नहीं दे सकता है, पर गवर्नमेंट विल बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग हंटिंग एंड पोचिंग, क्योंकि अभी पूरी दुनिया की नज़र इन्हीं पे है। अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं रहे, विजिलेंट नहीं रहे, तो नेचुरली इट विल बी एन एम्बैरेसमेंट एंड शेम फॉर देम। तो आई एम श्योर कि वो बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहेंगे। गुजरात में इस मुद्दे को लेकर आप लोग, आपने लोगों से बात की होगी, आपको क्या लगता है लोग क्या रुख अपना रहे हैं आपकी जानकारी में कि ये चीज़, ये मुद्दा सही है, ये शेरों को बचाएगा या आगे बढ़ाएगा? ये एक इमोशनल और सेंटिमेंटल वैल्यू है। जैसे कि हम अपने बच्चे को अपने घर से विदा जल्दी से नहीं कर पाते हैं, वैसा ही है, पर आगे उनकी भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए हमको उनको भेजना पड़ता है बाहर फॉर अ बेटर फ्यूचर, होपिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। कोई गारंटी नहीं है कि बेटर फ्यूचर मिल ही जाएगा, बस एग्जैक्टली वैसा ही है ये, कि अपने बच्चे को अपने से दूर उनके फ्यूचर के लिए बस भेजना चाहते हैं। आपकी बात पटेल साहब पर, पटेल साहब, क्या ये इमोशनली इशू है? क्या ये इमोशनली इशू है? इमोशनल इशू नहीं है, क्योंकि पहले यूपी में एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, इसी तरह यही एरिया में, इसके नज़दीक के एरिया में पहले 1940 के पहले ग्वालियर महाराजा ने अफ्रीका से लाइन लेके वहाँ सेटल करने का एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी वहाँ फेल हुआ है। दूसरा कि जो पर्टिकुलर इशू है पूरा, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में बड़ा, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी तरह डील नहीं किया है, वो इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम। वैसे इसकी शुरुआत जो आप बात कर रहे हैं 1904 में लॉर्ड कर्जन ने शुरू की, मैं वही तो, उस वक्त भी भेजे गए थे शो को, और वो व्हाट इज द इकोसिस्टम, और अल्टीमेटली लायन क्यों कन्फाइन हो रहे हैं गुजरात में ही। आप देखिए कि इकोसिस्टम में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला ह्यूमन एंगल निकाल दिया, बोले कूनो पालपुर, और क्योंकि गुजरात का जो इकोसिस्टम में अल्टीमेटली ह्यूमन एंगल जो है वही मेन इसमें पार्ट इसका है। आप देखिए लॉर्ड कर्जन ने जब 1940 के करीब 1937 में जब आए वो लायन के ही शेर शिकार करने के लिए, उसी समय नवाब उनको शिकार के लिए ले जा रहा था, सराउंडिंग विलेजर्स ने, एनजीओ ने, इन्होंने इतने खत भेजे कि आप लायन को मत मारिए। तो अब एनजीओ थे कि नहीं थे इस बारे में ज्यादा मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन नहीं, ऐसी संस्थाएं थी काफी। लेकिन मधु आपके पास जाऊंगा, तो पटेल साहब जिन्होंने काफी देखा, इनका कहना है कि इमोशनल इश्यू नहीं है और दरअसल लोगों ने ही बचाया है, ह्यूमन बीइंग ही ज्यादा जिम्मेदार है खात्मे के लिए भी और बचाने के लिए भी। आप क्या कहेंगे? गुजरात में भी पोचिंग हो ही रहा था तो ह्यूमन बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल तब भी थे, पर थैंकफुली अपने चीफ मिनिस्टर के हाथ में व्हेन ही टुक अप द इशू, और अब ग्रेजुअली उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो ये सेम डिटो कॉपी वहाँ पे भी हो सकता है मध्य प्रदेश में, इफ़ दे टेक अप द इशू प्रॉपरली, तो वहाँ पे भी उनको पोचिंग और हंटिंग से बचा सकते हैं हम। नहीं, आई डिफर विद दिस, बिकॉज चीफ मिनिस्टर ये आए नहीं, जब से गुजरात स्टेट फॉर्मेशन हुआ, आप देख लीजिए इंडिपेंडेंस हुआ 66. उसके बाद शेरों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती रही है, उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट किसी, वहाँ शिकार करना बंद हो गया, जैसे वो नवाब के टाइम में था वो बंद हो गया, और लोग अपने शेरों को अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, वैसा हमने भी देखा। तो वो देखिए आप, मैं कि एक मेंबर ने इसमें बताया कि उत्तर प्रदेश में शेरों ने वो डोमेस्टिक कैटल को मारना शुरू किया, इसलिए लोगों ने मार दिया और वो डिसअपियर हो गए। अब यहाँ ही देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि यहाँ सराउंडिंग एरिया में जाते हैं, 200-200 किलोमीटर तक लाइन चले जाते हैं, पर कोई मारता नहीं है, उनके कैटल को मारता है, ह्यूमन इंजरी होती है। पटेल साहब, आप जो कह रहे हैं वो तर्क की कसौटी पर ठीक लग रहा है, लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि सासणगीर का जो इलाका है वहां पर कोई ऐसी एपिडेमिक फैलती है जो अभी तक जानवरों में विजिबल या दिखी नहीं गई थी, और वो असर करती है, तो हमारे पास से एशियाटिक लाइन का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। मैं एक IUCN जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्देश दिया है, उसने भी अपने रिपोर्ट में बोला है कि अभी नेक्स्ट 100 साल में तो एशियाटिक लायन पर ऐसा कोई खतरा है ही नहीं। सेकंड थिंग कि जो ऐसा इंसिडेंस बना वो बहुत सालों पहले बना था, आप समझ लीजिए, उस समय इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज़ ये इनके लिए इतना, वो कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। आज गिर में ये इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, उनकी इतनी मेडिकल केयर ली जाती है,
थोड़ा भी इंजरी होता है तो उनको तुरंत 4-5 सेंटर है ले जाते हैं। सेकंड थिंग कि एक कॉन्सेप्ट है कि एक जगह आया है एपिडेमिक, तो ये 6-7 जगह ऐसी है कि कोई 100 किलोमीटर दूर है, कोई 60 किलोमीटर दूर है, कोई 150 किलोमीटर दूर है, तो ये सिरो को कोई बाय चांस भी हो गया, इवन कंसिडर एज अ वर्स्ट सिनारियो, बाय चांस एक दफ़े ऐसा हो गया तो एक एक एरिया में हो जाएगा, तो वहाँ भी तो ये फैसिलिटी है डॉक्टर्स की। और दूसरे 6 जो जगह है जहाँ शेर सेटल हो गए हैं, ब्रीड करने लगे हैं, तो ऐसा खतरा होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मधु, शेर जो है वो झुंड में रहना पसंद करते हैं और बहुत ही राजा किस्म का जानवर होता है, थोड़ा सा आलसी भी होता है, टाइगर की तरह रिएक्ट तेजी से नहीं करता, बहुत तेज नहीं होता है। तो अगर ये शेर उस इलाके में रह जाते हैं जहाँ पर एक फैक्टर ये है कि गन कल्चर है, दूसरा ये कि शायद लोग शेरों के बारे में उतना ज़्यादा उनको जानकारी नहीं है, उन्हें ये पता है कि टाइगर कैसे करता है, उससे बचाव उनको तो पता है, लेकिन शेर सामने सीधे आ जाता है, क्या उस हालत में साथ रह पाएंगे जहाँ पर टाइगर हैं, शेर और टाइगर, क्या आपस में इनका कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखता आपको? पर ये तो बहुत डिमार्केटेड एरियाज हो जाते हैं, तो वो कोई एकदम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आए ऐसा होता ही नहीं है। उनका तो पन्ना सेंचुरी है जहाँ टाइगर्स रहते हैं, देयर इन द पन्ना सेंचुरी, वेयर इज दिस इज क्लोज टू इट। जहाँ तक हमारी जानकारी है, श्योपुर में अभी एक रणथंबोर का एक T-38 एक टाइगर है जो लोकेट हुआ, यानी टाइगर वहाँ तक जा रहे हैं और श्योपुर रणथंबोर से एकदम लगा हुआ है, ज़्यादा दूरी नहीं है, कॉरिडोर है। तो उस स्थिति में क्या आपको लगता नहीं कि ये एक मतलब अगर ऐसा होता है तो असर डाल सकता है? हाँ, वैसे तो लायंस एंड टाइगर्स दोनों साथ में रह नहीं सकते हैं, दे बोथ आर द किंग ऑफ द जंगल। और दूसरा ये कि सरकार भी अब इस तैयारी में है, गुजरात सरकार की, एक रिव्यू पिटीशन फाइल की जाए और ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के सामने वो तथ्य रखे जाएं जो कि शेरों को ट्रांसफ़र करने से जुड़े हुए हैं या उस मुद्दे पर। तो आपको क्या लगता है, ये अगर करती है सरकार तो जो सिनारियो पैदा होगा, हमें नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, उस पर क्या कहेंगे आप? पर अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपको उन्हें मध्य प्रदेश में नहीं शिफ्ट करना है तो उनको वापस से दूसरा घर कहीं ना कहीं तो देना है, तो ये अभी जो अगर उन्होंने किया है तो पूरा कुछ रिव्यू लिया होगा, थ्रू आउट द कंट्री लिया होगा, नॉर्थ में ही रहते हैं, साउथ में तो कहीं लायंस है ही नहीं इंडिया में, तो ये सारा कुछ करके दे हैव कम टू पटेल सर। बस इसी में कि जब मैंने ये इशू, क्योंकि मेरे टेन्योर में ये इशू शुरू हुआ था जब मैं आई वॉज अबाउट टू रिटायर, और उसी समय मैंने बताया था कि भाई आप पूनो पालपुर साइट इतना दूर जाते हैं, IUCN की गाइडलाइन बहुत क्लियर है कि जो मेन उनका होमलैंड है वहाँ से जो आप ट्रांसलोकेट करना चाहते हैं उसमें उनके बीच नेचुरल कॉरिडोर होना चाहिए। अब अपना जो गिर में लायन कन्फाइन हुए उसके पहले बरडा में थे और बरडा को सेंचुरी का स्टेटस दे दिया गया है, यदि वो 300 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर डेवलप करते हैं तो बरडा सेंचुरी है और वहाँ ही वो खर्चा करे और उसको अल्टरनेटिव वो सेकंड होम बनाए, तो उन्होंने सोचा कि गुजरात में ही क्यों नहीं बनाए। मैं आपका जो लॉजिक है कि यहाँ तो 40-50 साल पहले ही बरडा वॉज द लास्ट जिले में, वही वो बरडा है, पोर ये अपना जामनगर और वो सराउंडिंग एरिया में पोरबंदर के नज़दीक है, वहाँ से करीबन 100 किलोमीटर दूर है। अब वहाँ सेंचुरी डिक्लेयर की हुई है, वहाँ लास्ट दिखे गए थे और वहाँ का गुजरात का ही वो इको सोशियो इकोनॉमिक कल्चर जैसा इकोसिस्टम का पार्ट है, मोर और लेस सेम मालदारीज वहाँ है, मालदारी जो इनको फैमिली मेम्बर गिनते हैं। मैं इकोसिस्टम की बात करूँ तो इकोसिस्टम में यू कैन नॉट एलिमिनेट ह्यूमन बीइंग, तो जो कल्चर जो आपने बोले कि वाई इट हैज़ रिमेन कन्फाइंड टू गिर ओनली, ये मेन रीज़न ये है कि इकोसिस्टम ही ऐसा है कि जिसमें एपेक्स स्पीसीज कौन होते हैं, ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग जो यदि उसको प्रोटेक्ट करना नहीं चाहे तो कोई भी एनिमल प्रोटेक्ट नहीं हो सकता। पटेल साहब, मैं मतलब आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जनरल सा सवाल है, क्या शेर गुजरात के हैं, क्या वो नेशनल नहीं है? अगर वो नेशनल हैं
तो उन्हें कहीं और जाने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए? हाँ, वो नेशनल है, मैंने पहले ही बताया कि एक तो एक कॉन्सेप्ट की गुजरात के है। नहीं, आपने बर्डा की बात कही और गुजरात में ही। नहीं, मैं इसलिए कि इट वाज ए नेचुरल कॉरिडोर, IUCN की गाइडलाइन के मुताबिक है कि ये नेचुरल कॉरिडोर है, सेकंड होम इतना नज़दीक होना चाहिए और इसकी संख्या इतनी कम है, 400 उस समय तो उससे भी कम थी। तो समझ लीजिए कि आप 15-20 लाइन एक दूसरी जगह ले जाए जहाँ उसको कोई ऐसा नेचुरल कॉरिडोर नहीं है, पहले कभी वो वहाँ 150 साल से तो 8-10 जनरेशन उनकी ख़त्म हो गई। पटेल साहब अभी एक फ्रंट पेज पर वक्त हो चला है अभी एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम नेचर लवर्स क्लब की मधु जी से भी जानना चाहेंगे कि क्या शेर केवल गुजरात के हैं। गुजरात में 28 आदिवासी जातियाँ रहती हैं। इनमें से भील और राठवा सबसे खास है। इंदुलाल कन्हैया लाल याग्निक की लीडरशिप में हुए महागुजरात आंदोलन के बाद मई 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हुई। इसमें महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा जोड़ा गया था। देश और दुनिया को कुछ अलग तरीके से जोड़ता है गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य जहां छिपे हैं कई सारे अनोखे सच। इन सारे सच से आपको कराएंगे रूबरू। जानो सच, जानो गुजरात। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक भारत के 40 सबसे अमीर लोगों में से 10 गुजरात के हैं, यानी 25%। भारत का पहला मरीन वन्य जीव अभयारण्य कच्छ की खाड़ी में 1980 में बनाया गया। ।1982 में यहीं पर देश के पहले मरीन नेशनल पार्क की स्थापना की गई। खबर हो राजनीति की या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध या बात हो अपराधियों की, खबर हो कारोबार की या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की या बात हो कलाकार की, हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ। गुजरात को मेलों और त्योहारों का राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ साल भर में 2000 से ज्यादा मेले और त्योहार मनाए जाते हैं। गुजरात के शहरों के साथ साथ सभी 18,000 गांवों में बिजली है। ऐसा करने वाले देश के 7 राज्यों में से एक है गुजरात। एशियाई शेर पूरे एशिया में सिर्फ गुजरात के गीर के जंगलों में ही है। ताजा गणना के मुताबिक गीर के जंगलों में 400 से ज्यादा
एशियाई शेर है। फ्रंट पेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। गिर के जंगलों में दो दिनों तक शाकाहारी जानवरों की गिनती की गई। इस गिनती में हिरण के साथ मोर, बंदर, वाइल्ड बोर जैसे जानवरों की तादाद के बारे में पता लगाया गया। दरअसल ये कोशिश इस बात को जानने की भी है कि एशियाई शेरों के लिए उनका शिकार मौजूद है या नहीं। गिर के 1412 स्क्वायर किलोमीटर में फैले जंगल में वन विभाग दो दिन तक शाकाहारी जानवरों की गिनती में मशगूल रहा। इसके जरिए ऐसे जानवरों की तादाद का पता लगाने की कोशिश की गई। ये गणना इसलिए भी जरूरी है कि इससे जंगल में आ रहे किसी बदलाव के बारे में जाना जा सके। इस साल के गणतरी में टोटल 19 टीम बनाई गई है और प्रत्येक टीम में 5 लोग दिए गए हैं। ये जो डायरेक्ट लोग हैं, डायरेक्ट काम करते हैं गणतरी के लिए। गिर जंगल में इस गिनती के दौरान 19 रूटों पर सुबह और शाम के दौरान जानकारी इकट्ठा की गई, जिसमें चीतल, सांभर, नील गाय, चौशिगा, बंदर, मोर, ब्लैक बक, वाइल्ड बोर, एंटीलोप जैसी प्रजातियों की गिनती करके डिटेल्स बनाई गई। इसमें टोटल 8 प्रजाति है जिसका हम लोग सेंसस में हम लोग गणतरी कर रहे हैं। लाइक ब्लू बुल्स एक इम्पोर्टेंट स्पेसीज है। ये सारे जो प्राणी हैं इनका हम लोग जो प्रे बेस है मेन, इनका हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गणतरी करने का। इस गिनती से ये अंदाजा लगाना आसान हो जाता है कि जंगल में शेर और तेंदुओं के लायक खाना मौजूद है या नहीं। अगर शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ती है तो ये इशारा है कि जंगल भी सुरक्षित है और शेर भी। जय त्रिवेदी के साथ दीप्ति सिंह, जूनागढ़, जानो दुनिया। वाकई अगर शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ती है तो सीधा सा इशारा इस बात का होता है कि जंगल हरा भरा है और अगर शाकाहारी जानवर मौजूद हैं तो शेर भी सुरक्षित है क्योंकि उनको भी उनका खाना मिल रहा है। मैं डिस्कशन के उसी पॉइंट पर वापस आना चाहूँगा जहाँ पर मैंने छोड़ा और पटेल साहब से मेरी बात हो रही थी ब्रेक के पहले कि क्या गुजरात के शेर गुजरात के हैं, क्या वो नेशनल नहीं है। मधु, आप किस तरह से लेती हैं, क्या वाकई इन्हें गुजरात का ही मान लिया जाए? नहीं, वो तो नेशनल है, नेशनल प्रॉपर्टी है शेर। फ्रॉम अशोका के टाइम पे भी जो अशोका का सिंबल था वो भी लायन हेड है। हमारे रुपीज़ में, नोट्स में, सब जगह लायन हेड। इट्स एन इंडियन सिंबल, इट्स नॉट अ गुजरात सिंबल, जैसा कि पहले भी किसी ने बोला था कि गुजरात का एसोसिएशन इज़ विद लायंस। इट इज़ नॉट ट्रू। मधु, आपको ये नहीं लगता कि हम कितनी भी बात करें, कितना भी डिस्कशन करें, अगर इस स्थिति को देखा जाए कि गुजरात के शेर मध्य प्रदेश जा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार भी, खैर उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक सवाल ये कि क्या ये मुद्दा शेरों से हटकर कहीं राजनीतिक होता तो नहीं दिख रहा है आपको? ये शेर के लिए ही बेहतर होगा कि उनको एक नया घर भी दिया जाए। नहीं, मैं इस बारे में आपसे बात कर चुका हूँ। क्या ये मुद्दा शेरों के भले या शेरों के मुद्दे से हटकर अब राजनीतिक रूप नहीं ले रहा है? हमेशा पॉलिटिकल इशू तो हो ही जाता है, कोई भी बात हो दो स्टेट्स के बारे में तो एक पॉलिटिकल इशू हो ही जाता है उसका, क्योंकि कोई को भी अपना अपनी चीज़ देने में तकलीफ ही होती है। इसमें आपको फ़ायदा दिखाई पड़ता है, नुकसान दिखाई पड़ता है? गुजरात का फ़ायदा कि नहीं, मैं शेरों के फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। शेरों का फ़ायदा तो इसमें है कि उनको ट्राई किया जाए, कहीं और शिफ्ट करके उनको एक नया घर दिया जाए, उसमें शेरों का फ़ायदा है। और मुद्दे के तौर पर आपको क्या लगता है? बाकी तो वो पॉलिटिकल इशू क्रिएट हो जाता है, ऐसे तो सेंटिमेंटल वैल्यू है गुजरात के लिए। पटेल साहब, आप रिटायर्ड हैं, आप रिटायर्ड अधिकारी हैं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। शायद आप सर्विस में होते तो इस सवाल से बचते, लेकिन अब आपसे जानना, क्या ये पॉलिटिकली बचना का सवाल ही नहीं है इसमें? ये पॉलिटिकल इश्यू क्या है, मीडिया हर एक इश्यूज को पॉलिटिसाइज करता ही रहता है। ये पॉलिटिकल बहुत आसान सा एस्केप रूट हुआ कि मीडिया, मैं आपको बहुत से इश्यूज मैं देख रहा हूँ। ये इश्यू देखिए, ये इशू आप सोचिए कि पहले 1956 में ये आइडिया जब आया कि भाई इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उसमें कौन था चेयरमैन? उसमें झाम साहब थे चेयरमैन, गुजरात के कई लोग उसमें ये थे, और उन्होंने ये आइडिया मुटेड किया था कि ऑल्टरनेटिव होम होना चाहिए। मैं आपको बताऊँ,
उनके लिए जो वर्कशॉप हुआ वो बड़ौड़ा में हुआ, बड़ौड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने ये आइडिया ऐसा है। सो इससे के इसको इस तरह एट्रीब्यूट करना कि ये पोलिटिसाइज है, गुजरात के लोगों ने ही पहले तो ये आइडिया सोचा था और उसके उसको पहले वो बड़ौड़ा के लिए ट्राई कर रहे थे, अभी भी बड़ौड़ा ऑल्टरनेटिव साइट के लिए ट्राई कर रहे थे, मगर आज 6 ऑल्टरनेटिव साइट हो गए हैं। गिर बोलते हैं आप, तब जो गिर बोलते हैं गिर के नाम से, तो वहाँ 411 लाइन नहीं है, वहाँ गिर के गिर में तो 300 से कम है लाइन, गिर सेंचुरी 1411 में, बाकी जो 6-7 साइट कोई 50 किलोमीटर है कोई 100 किलोमीटर है वो सेकंड होम जैसे ही ऑल्टरनेटिव होम जैसे हो गए हैं, वहाँ ही वो सेटल हो गए, वहाँ ही ब्रीड होते हैं। आपने और दूसरा आपने बड़ी अच्छी बात कही अभी कि गुजरात के ही लोगों ने इनिशिएट किया था। हमने भी पैकेज में भी देखा कि वहाँ के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। आपका भी ये कहना है कि शुरू से ही जो गिर के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ये शेर यहाँ से जाए, तो ये इवॉल्व कैसे हुआ आइडिया? नहीं, इवॉल्व क्या हुआ कि वो इसीलिए कि जो इन्होंने एग्जांपल दिया और सब लोग यही देते हैं कि वो अफ्रीका में एक ऐसा एपिडेमिक हुआ तो उस समय उसी परिप्रेक्ष्य में उस समय की जो परिस्थिति थी उसी परिप्रेक्ष्य में इन लोगों ने सोचा कि ऑल्टरनेटिव होम होना चाहिए, तो उस समय ये इन लोगों ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया और वो भी नेशनल मीन्स एडवाइजरी बोर्ड ही था, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उन्होंने किया। अब देखिए उसके बाद जो IUCN की गाइडलाइन आई, दूसरे एक्ट आए, अब आप ये पूरे दूसरे एक्ट का जो प्रोविज़न है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट है जो इससे भी सुप्रीम बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी ट्राइबल्स एक्ट है, अब उसमें जो स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर्स यू अंडरस्टैंड दैट दे आर द पार्ट ऑफ एंटायर इकोसिस्टम, ह्यूमन इंगल, पूरा ह्यूमन इंगल, कि जिन्होंने ये लाइन प्रोटेक्ट किया है और IUCN की गाइडलाइन है कि आपका ऑल्टरनेटिव जो होम बनाना हो तो भी वो नेचुरल कॉरिडोर से जुड़ा होना चाहिए, नेचुरल कॉरिडोर से, और हो सके तो जब तक आपका इतना पॉपुलेशन नहीं हो जाए कि यू आर सेफ, देन ज़्यादा जो बढ़े तो उसको आप शिफ्ट करने का चाहिए। अब यहाँ वो जो उनके दिमाग में उस समय एक भय था कि कोई एपिडेमिक आ गया, वो आज टोटली एलिमिनेट हो गया है। IUCN खुद कहता है कि 100 साल के लिए शेरों की कोई गिनती नहीं है। अब बायोडाइवर्सिटी एक्ट कहता है, ट्राइबल एक्ट कहता है कि लोगों जो है सराउंडिंग जो विलेजेस है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पूछे बिना ये सेंचुरी में से कोई चीज़ हटानी चाहिए, उनकी सम्मति चाहिए, पूरा ये इश्यू तो टोटली निग्लेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट। तो क्या सहमति ली गई है आपको क्या पता? नहीं लिया है ना, इसीलिए तो लोग एजिटेशन कर रहे हैं उनको। और ये सहमति लेना कितना जरूरी है? ये जरूरी है, कानून के मुताबिक जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो सुपीरियर एक्ट है दिन दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से भी, ट्राइबल एक्ट है जिसमें ये सब राइट पार्लियामेंट ने दिए है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए है। यानी आप उम्मीद करते हैं जो रिव्यू पिटीशन होगी उसमें इस बायोडाइवर्सिटी एक्ट का हवाला दिया जाएगा? डेफिनेटली दिया जाएगा, और IUCN की गाइडलाइन है कि नेचुरल कॉरिडोर से जुड़ा होना चाहिए और स्टेक होल्डर्स को क्यों भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। मैं आपसे सीधे सीधे जानना चाहूंगा, अब यहाँ तो स्टेक होल्डर को मैं आपको एक चीज कि यहाँ तो स्टेक होल्डर को तो कॉन्फिडेंस में लेने की बात नहीं है, लिया ही नहीं है, पर राज्य सरकार को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। और जो पटेल साहब ये तो मुद्दे हुए कि नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया, मैं आपसे सीधे जानना चाहूंगा आखिर गिर में शेर जिंदा क्यों है? आप वाइल्ड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन रहे हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो गिर में जिंदा रह जाते हैं? यू आर कमिंग टू दैट रियल इशू, मैंने आपको बाहर ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि अल्टीमेटली भाई 150 साल वहाँ से डिसअपियर हो गए पूरे नॉर्थ से और वहाँ से, और 150 साल से यहाँ थे, यहाँ उनकी जो शिकार होता था जब नवाब था तब तो उनका जो नंबर थे वो कम होते गए, जैसे वो इंडिपेंडेंस आ गया, हाँ गुजरात स्टेट फॉर्म हो गया, अब देखिए कि उनकी तादाद बढ़ रही है, रेगुलरली बढ़ रही है एक भी साल, और नॉट ओनली दिस एनिमल और हर्बीवोरस में भी बढ़ रही है, दूसरी सेंचुरी में भी बढ़ रही है। गुजरात का कल्चर देखिए कि आपको मैं इस ये इश्यू पे कि हर एक सेंचुरी में आप देखिए एक इंसिडेंस, उन्होंने बोला कि एक मध्य प्रदेश के ही गैंगस्टर यहाँ आए थे
और फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री वाइल्ड लाइफ में कि वो ऑफेंडर को पकड़ा गया और उनको 7-7 साल की सजा हुई, तुरंत पकड़े गए। पटेल साहब, थोड़ा सा वक्त हमारे पास कम है, जो चीज है वो यहाँ नहीं हुई, डिस्कस काफी कर चुके हैं। एक आपसे बात, आपने मुझे बताया कि क्यों गिर में शेर जिंदा है, क्या इस बात की किसी तरह की, वैसे नए जमाने में कहा जाता है गारंटी किसी चीज की नहीं होती, लेकिन फिर भी क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, क्या इस बात की गारंटी है कि गिर में महामारी नहीं फैलेगी 100 साल तक? मैं आपको बता रहा हूँ कि आयुष ने खुद ने बताया है कि 100 साल तक ऐसी महामारी फैलने का कोई भय नहीं है, और आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इनके एनिमल वेलफेयर हेल्थ की दृष्टि से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो वहाँ क्रिएट किया गया। मधु एक मिनट, मधु आप बताएंगे क्या किसी तरह की आपको लगता है महामारी नहीं फैल सकती वहाँ पर? अभी तक हुआ नहीं है जैसे पटेल साहब ने बोला, पर ऐसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती क्योंकि इट्स नेचर, नेचुरल कैलामिटी कब हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं होती। चलिए, समय थोड़ा हमारे पास कम है, और गिर के शेरों को जो शिफ्ट करने की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना फैसला दिया है उस पर तमाम लोग सहमत हो सकते हैं और तमाम असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि जो भी कोई हो वो चाहता है कि शेरों का भला हो और शेर हमें इस वातावरण में हमारे बीच दिखते रहने चाहिए। फ्रंट पेज में आज इतना ही, आगे के एपिसोड में हम और भी नई चीज़ों, नए मुद्दों पर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।